दिव्यांगों की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक विशेष मोबाइल ऐप बनवाया है, जिससे पात्र मतदाता शारीरिक असुविधा के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए इस पीडब्ल्यूडी ऐप में रजिस्टर कर भारत निर्वाचन आयोग को अपने दिव्यांग होने की सूचना भर देनी है। आपके क्षेत्र के बीएलओ शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे। मैं आपके क्षेत्र का बीएलओ हूं। बूथ लेवल ऑफिसर दिव्यांगों से सभी आवश्यक जानकारी लेंगे। दिव्यांग यदि चाहे तो इस ऐप के माध्यम से चुनाव के दिन बूथ पर जो सुविधा चाहते हो उसकी भी जानकारी सीधे भेज सकते हैं। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था हो और बूथ पर रैंप भी बने हो, जिससे व्हीलचेयर ईवीएम तक आसानी से पहुंच सके। दिव्यांगों की सहायता के लिए मतदान केंद्र पर वॉलंटियर भी उपलब्ध होंगे। दृष्टि बाधितों या दृष्टिहीनों के लिए ईवीएम मशीन पर ब्रेल भाषा में जानकारी दी होती है, जिससे वो पढ़कर मताधिकार का प्रयोग कर सके। दिव्यांगों के लिए अलग कतार होगी, जिससे उन्हें वोट डालने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना हो, और साथ ही शौचालय की उचित व्यवस्था भी होगी। कोरोना की संभावना देखते हुए सभी को मास्क से मुंह ढक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही बूथ पर आना है। दिव्यांगों, कोरोना से प्रभावित मरीजों और 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। पोस्टल बैलेट के लिए निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर अपने विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर को 12 डी पत्र पर आवेदन दे सकते हैं।